दोस्तों आज आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसमें भारतीय रेलवे के बाबुओं या अधिकारियों के एक गलत निर्णय के कारण रेलवे के मानचित्र से या रेलवे के जो भी ट्रैक रूट है उससे एक अच्छे खासे और ऐतिहासिक स्टेशन को पूर्णतः गायब कर दिया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ गरीफा रेलवे स्टेशन की। देखिए मेरे पीछे तमाम इसके बारे में चित्र लगे हुए हैं। गरीफा रेलवे स्टेशन एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जो सियालदह डिवीजन, कलकत्ता के सियालदह डिवीजन और हावड़ा डिवीजन दोनों तरफ के रेल को बीच से जोड़ती है। यह स्टेशन हुगली नदी के ऊपर है और इस स्टेशन के साथ में ही जुबली ब्रिज हुआ करता था किसी ज़माने में। लगभग 125 साल का होने के बाद इस पुल को बंद कर दिया गया और इसके बदले एक नया पुल बनाया गया। सबसे बड़ी खासियत यह है कि हुगली जिले में एक इमामबाड़ा है। इमामबाड़ा भी वह ऐतिहासिक इमामबाड़ा है। उस इमामबाड़ा को नैहटी अंचल से जोड़ने का यह एकमात्र साधन है। दोस्तों परेशान होने की बात नहीं, अभी भी यह रेलवे स्टेशन है। गाड़ियां यहां से गुजरती, कुछ गाड़ियां यहां रुकती हैं, लेकिन आपको टिकट अगर कभी यूटीएस से बुक करना हो तो यूटीएस में गरीफा स्टेशन नहीं दिखाई देगा। या तो आप एक स्टेशन बाद या एक स्टेशन पहले का टिकट लें। मैं बात कर रहा हूं उन दिनों की जब पश्चिम बंगाल का शिल्पांचल एकदम जागता हुआ था। जागता हुआ अर्थात यहाँ बहुत रमरमा था, फैक्ट्रियाँ वगैरह खूब चल रही थी, आज भी चलती हैं। तो ज़्यादातर मजदूर उत्तर प्रदेश और बिहार के होते थे। वे जब गांव जाते थे तो गांव जाने के लिए या तो हावड़ा से ट्रेन पकड़ते थे या बैंडल से ट्रेन पकड़ते थे, क्योंकि सियालदह से होकर के जाने वाली गाड़ियाँ उनके लायक नहीं होती थी। तो ऐसे लोग गरीफा स्टेशन आ करके यहाँ से टिकट ले करके और जाते थे। इस प्रकार से मेरे अनुमान के अनुसार जब तक यह रेलवे स्टेशन सरकारी हुआ करता था, रेलवे को कम से कम प्रति माह अगर न्यूनतम देखा जाए तो 2 से 2.5 लाख रुपए का आमदनी इस छोटे स्टेशन से हुआ करता था। स्थितियां बदली, सरकार ने इस स्टेशन को निजी हाथ में देने का निर्णय लिया। सरकार का निर्णय हम क्या कह सकते हैं, लेकिन जब सरकार ने इसे निजी हाथ में सौंपने का निर्णय लिया और जिस व्यक्ति ने इसका ठेका लिया उस व्यक्ति ने इस स्टेशन को ऐसा डुबाया कि बस। कोई भी व्यक्ति जब टिकट मांगने जाता था, कहता था मुझे हावड़ा की टिकट दे दो, तो वह कहेगा कि भाई यहाँ से बैंडल तुम बिना टिकट चले जाओ और वहाँ जा करके तुम हावड़ा की टिकट खरीद लेना। रेलवे का एक व्यक्ति बोलता है, वो बोला अगर कोई पूछता है भाई कोई पकड़े तो बोलता था कि नाम ले लेना गरीफा वालों का, उन्होंने परमिशन दिया है। और इस तरह बहुत लोग फाइन दिए, दंड देना पड़ा। लोग उससे रुष्ट हुए, लेकिन कर क्या सकते थे। 2-3 बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि काउंटर वाले ने कहा आप जाके बैंडल खरीद लेना, तो मैंने रेलवे को शिकायत की। हालांकि रेलवे भी जगते जगते 1.5 महीने बाद रेलवे ने इस पर कार्रवाई किया और उनको ताकीद किया। चूँकि निजी खिलाड़ी है तो उसको रेलवे कुछ कह भी नहीं सकती, फिर भी उन्होंने निर्देश दिया कि भाई आप ऐसे लोगों को टरकाया ना करें। लेकिन ये जो टरकाने का सिलसिला चला, आप जब टिकट लेने जाएं, देखिए ऐसा दिखता है टिकट, मेरे पीछे मैं दिखा रहा हूँ। तो रेलवे ने जब टरकाना शुरू किया तो लोग इस स्टेशन से कटने लगे। तब इससे 2 किलोमीटर की दूरी पर नैहटी स्टेशन है, लोग वहाँ जाने लगे और वहाँ से बन के चलने वाली गाड़ियों से टिकट लेकर चलने लगे। मुझे नहीं लगता कि रेलवे ने इसको निजी हाथों में दे करके बहुत अच्छा निर्णय लिया था, क्योंकि रेलवे को जो लाभ होती थी वह ठेकेदार से तो रेलवे वसूल ले रही है, लेकिन जिस ठेकेदार ने लिया मुझे नहीं लगता वह कोई लाभ कमा पाएगा यहाँ से। खैर जो भी हो, यह लोगों का निर्णय है, ठेकेदार और रेलवे का, रेलवे समझे। लेकिन इससे यात्रियों को भी परेशानी हुई। जो लोग गरीफा स्टेशन के आसपास रहते हैं अब उन्हें नैहटी जाके आना पड़ता है, पैदल जा सकते थे उन्हें गाड़ी करनी पड़ती है। रोजगार तो बढ़ा लेकिन लोगों की तकलीफें बढ़ी। सभी रेलवे टिकट बुकिंग का यह प्लेटफॉर्म है UTS, इंडियन रेलवे अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम, यहाँ UTS लिखा हुआ है। इसमें अगर आप कभी ढूंढने का प्रयास करें गरीफा स्टेशन तो वह दिखाई नहीं देगा, क्योंकि निजी हाथ में सौंप कर भारतीय रेलवे चैन की नींद सो रही है और रेलवे ने इसको अपने UTS के मैप से बिल्कुल ही हटा दिया है। आप ढूंढते रह जाएं, इसका GAFE कोड है वह नहीं मिलेगा। जबकि अगर देखा जाए तो इस स्टेशन का बहुत ऐतिहासिक महत्व है।
क्योंकि जो 150 सालों से रहा जुबली ब्रिज, जिसके जहाँ जोड़ है नदी के बीच में, उस पर खंभा नहीं है। खंभा कहाँ है? जोड़ से दूर है। अब ऐसे ऐतिहासिक पुल को इन्होंने ख़त्म कर दिया, ठीक है, लेकिन इन चीज़ों को, इन धरोहरों को मैप से गायब कर देना तो मुझे नहीं लगता कोई अच्छा निर्णय है। खैर, जो भी हो, आज की चर्चा में बस इतना ही। अगली चर्चा में मैं आपसे और कुछ बात करने के लिए जुड़ूंगा। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ, ऐसे ही थम्स अप करके मेरा उत्साह वर्धन करते रहिए, आपको ऐसी जानकारी देते रहेंगे।